अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो का जो हमारा व्लॉग है ना, मतलब कि आज की वजह जो वीडियो है वो होगी 11 रबी अव्वल। तो जैसे कि सभी को पता है कि सुबह 12 रबी अव्वल है, जिसने विलादत मुस्तफ़ा है। तो और लोगों का तो मुझे नहीं पता, हमारे गांव में तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। तो आप लोगों को मैं वो अगली भी कुछ वीडियोस में वो दिखाऊंगी, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और हमारे व्लॉग्स देखते रहिएगा। ये अभी आप लोगों को कुछ बैलून्स और ये झंडियाँ वगैरह दिख रही होंगी, ये हम लोगों ने जो है ना, आज 11 रबी अव्वल है तो हम लोग अपने घर से जाने लगे हैं। वैसे तो हमारे गांव में काफ़ी दिनों से लोगों ने अपने घर से जाने स्टार्ट कर दिए हुए हैं और लोग अपने घरों को सजा रहे हैं जी। कुछ तो मेरी अम्मी ने जो है वो बाहर लगा दी हैं घर से जाने के लिए, तो कुछ जो है वो मैं अभी ये बाहर लेके जाने लगी हूँ, तो ये हम लगाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो हमने लगाई है, ये लगाई है हमने। अच्छा तो गाइज अब हम लोग लगा रहे हैं, बाहर बैनर वगैरह लगाने लगे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए आज मैं आपको स्ट्रीट्स दिखाती हूँ जी। गाइस 12 रबी अव्वल की जो है वो सारी तैयारी 11 रबी अव्वल की रात को की जाती है। लोग रात को सोते नहीं हैं, सारी रात जागते रहते हैं और अपनी अपनी गलियों को सजाते रहते हैं। हम लोग बचपन से ये सब देखते आ रहे हैं कि गांव के लोग बड़े जोश व खरोश से जो है वो ईद मिलादुन्नबी का अहतमाम करते हैं और सारी रात जो है वो गलियों को सजाने में गुजार देते हैं। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये है हमारे गाँव का मदरसा, और यहाँ हम मदरसे के पास से गुज़रते हुए मैं आप लोगों को कुछ गलियाँ दिखाऊंगी। इस बार जो है वो कुछ ज़्यादा गांव नहीं सजाया गया था, कम ही सजाया गया था। तो जो जो गली सजाई गई है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। सो हमारे साथ देखते रहिए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस वक्त रात के जो हैं वो 9 बज रहे थे, लोग नमाज अदा करके अपने अपने घरों को जा चुके हैं और बस अपनी अपनी गलियों में अब लोग जो हैं वो काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे गलियों का कंपटीशन भी होता है कि कौन सी गली जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सजाई गई है। फिर यहाँ लोगों को इनाम भी दिए जाते हैं 12 रबी अव्वल वाले दिन। 11 की रात को ये लोग काम करेंगे और 12 को इनको गिफ्ट्स मिलेंगे कि कौन सी गली, मतलब कि कायदे तौर पे पोजीशंस रखी हुई होती हैं कि कौन सी गली फर्स्ट नंबर पे है, कौन सी सेकंड पे है और कौन सी थर्ड पे है। गाइस अब तकरीबन आधी रात का टाइम हो चुका है और लोगों ने अपनी गलियां जो हैं वो सजा दी हुई हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो सजा चुके हैं और कुछ ने अभी सजानी है। अभी हम लोग मस्जिद वाली गली से एक अगली गली है उस गली में आए हुए हैं, और ये रिव्यू जो है वो उस गली का है। आप लोग देखिए कि कैसे सारी रात लोग जागते रहे हैं और अपनी गलियां सजाते रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी मस्जिद वाली गली में और आप लोगों को दिखाते हैं मस्जिद वाली गली। क्या है ना कि मस्जिद वाली गली में हम लोग के नाना बू का घर है, तो हम उस गली को अपना ही बोलेंगे ना कि हमारी अपनी वाली। इस वक्त सुबह के 3 बज चुके हैं और अब हम लोग वापस आ गए हैं मस्जिद वाली गली में। तो ये देखिए मस्जिद में सलाम पढ़ा जा रहा है। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हुए गांव के लोगों ने मस्जिद में एक महफिल का, दुरूद शरीफ की महफिल का बंदोबस्त किया गया था। तो वो महफिल अब कम्प्लीट हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब जी लोग क्या करेंगे कि नमाज तहज्जुद अदा करेंगे, औरतें घरों में नमाज तहज्जुद अदा करेंगी और मर्द साज हैं वो मस्जिद में महफिल के लिए जो आए हुए हैं तो अब वो नमाज तहज्जुद अदा करेंगे। फिर थोड़ी देर तक जो है वो अज़ान फजर हो जाएगी और फिर बाकायदा तौर पर जमात के साथ नमाज फजर अदा की जाएगी। बाकी का व्लॉग देखने के लिए गाइज हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको बाकी की डिटेल्स जो हैं वो मैं दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आ जाइए मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे।